गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोर्टैलिटी टेबल और लाइफ टेबल। मोर्टैलिटी टेबल क्या होती है या फिर हम उसको लाइफ टेबल भी कहते हैं। चलिए देखिए, मोर्टैलिटी का मतलब आपको पता है डेथ रेट, ठीक है। हमें उसकी टेबल बनानी है। ज़रूरी नहीं है उस टेबल में सिर्फ डेथ रेट ही हो, हम हर तरीके से उसमें हर एक चीज़ को असाइन करते हैं उस टेबल में, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है ये। द लाइफ टेबल गिव्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ हाइपोथेटिकल ग्रुप और कोहॉर्ट एज इट इज ग्रेजुअली डिमिनिस्ड बाय द डेथ। वो कह रहे हैं हमें लाइफ टेबल क्या देता है, एक लाइफ हिस्ट्री देता है किसकी, हाइपोथेटिकल ग्रुप की या फिर कोहॉर्ट। कोहॉर्ट और हाइपोथेटिकल ग्रुप का मतलब होता है कि एक ऐसा टेबल जो हमें क्या देता है, विच शोज ईच एज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज दैट अ पर्सन ऑफ दैट एज विल डाई बिफोर देयर नेक्स्ट बर्थ। कि जो लाइफ टेबल है वो हमें एक लाइफ हिस्ट्री देता है, उस लाइफ हिस्ट्री में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हर एक एज ग्रुप की एक प्रोबेबिलिटी दी होती है कि उस एज ग्रुप में जो भी पर्संस हैं वो कब डाई करते हैं अपने नेक्स्ट बर्थडे से पहले। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2020 चल रहा है, ठीक है ना, तो हम 2020 में ये चेक करेंगे कि कितने पर्संस ऐसे हैं एज के अकॉर्डिंग, कि 0 to 1 years के, 1 to 2 years के, इन ईयर्स के, हर एक एज ईयर्स के कितने पर्संस ऐसे हैं जो डाई करते हैं अपने 2021 का बर्थडे आने से पहले। समझ गए हो ना मेरी बात, कि 2020 में जैसे मैं हूँ, मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, 2020 में मेरा बर्थडे आएगा, ठीक है, उसके बाद 2021 में भी मेरा बर्थडे आएगा। तो हम जो ये लाइफ टेबल बनाते हैं उसमें हम क्या हिस्ट्री देते हैं, हम ये हिस्ट्री देते हैं कि जो भी एज ग्रुप होगा, यानी कि मैं जिस भी एज ग्रुप में आ रही हूँ, तो उस एज ग्रुप में एक हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं कि कितने पर्संस उस एज के डाई करेंगे उनका नेक्स्ट बर्थडे आने से पहले, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कोहोर्ट बोलते हैं या फिर हाइपोथेटिकल ग्रुप। चलिए, इट इज कन्वेंशनल मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द मोस्ट फंडामेंटल एंड एसेंशियल फैक्ट्स अबाउट द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर्टैलिटी इन अ टेबुलर फॉर्म। ये एक तरीके से ऐसा मेथड है जो हमें एक्सप्रेस करता है मोस्ट फंडामेंटल एंड एसेंशियल फैक्ट, जो हमारे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो हमें ये मेथड हमें एक्सप्रेस करता है, उन सब चीज़ों का जो हमें बेसिकली क्या बताता है, एक एज डिस्ट्रीब्यूशन बताता है डेथ रेट की, वो भी एक टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म सबको पता है ना, एक टेबल की फॉर्म में हमें वो हमारा एज डिस्ट्रीब्यूशन एज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली डेथ रेट बताता है। एंड इज पावरफुल टूल फॉर मेजरिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ द वेरियस एज सेक्टर। तो बेसिकली जो लाइफ टेबल होती है उसमें हमें एक प्रोबेबिलिटी बताई जाती है लाइफ की और डेथ की, यानी कि कितने लोग जिंदा हैं और कितने लोगों की डेथ हमारी हो चुकी है, वो हमें बेसिकली हमारे लाइफ टेबल में पता चलता है। तो हम लाइफ टेबल में मेनली क्या मेजर करते हैं, क्या चीज़ दिखाते हैं कि कितने पर्संस वहाँ पे जिंदा हैं और कितने पर्संस की डेथ हो गई है किसी पर्टिकुलर ईयर में या किसी पर्टिकुलर एक एज में हम वो बनाते हैं। अभी मैं आपको एक टेबल बनाऊंगी तो उससे आपको और ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अ लाइफ टेबल प्रोवाइड आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो लाइफ टेबल है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर हमें देता है, जैसे कि फर्स्ट, हाउ विल अ ग्रुप ऑफ इन्फेंट ऑल बॉर्न एट द सेम टाइम, यानी कि जो भी एक ग्रुप होगा, जैसे मान लीजिए आज के दिन कितने जो बेबीज हैं वो बॉर्न हुए हैं, ठीक है ना, या तो आप एक दिन के लिए कर लीजिए या फिर वीक या फिर मंथ। जैसे हम कह रहे थे भाई नवंबर में कितने बच्चे हैं, कितने कितने चाइल्ड बेबीज हैं जो बॉर्न हुए हैं एंड एक्सपीरियंसिंग अनचेंजिंग मोर्टैलिटी कंडीशन थ्रू आउट द लाइफ टाइम ग्रेजुअली डाई आउट। बेसिकली फिर हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए नवंबर के मंथ में कितने बेबीज हमारे बॉर्न हुए हैं और उनमें से कितने हमारे डेथ हो गई है कितनों की और कितनों की डेथ नहीं हुई है, तो ये कंडीशन भी हमें पता चल जाती है। सेकंड कह रहा है, व्हेन इन द कोर्स ऑफ टाइम ऑल दिस इन्फेंट डाई व्हाट वुड बी द एवरेज लॉन्गेविटी पर पर्सन। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी बॉर्न बेबीज डाई कर जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर मंथ में या ईयर का अगर हम डाटा लेते हैं, तो हमें फिर उसे एक एवरेज पता चल जाती है
कि जो भी बॉर्न बेबीज हैं कितनों की एवरेज के अकॉर्डिंगली वो डाई करते हैं या फिर वो लिव करते हैं, ठीक है। थर्ड में वो हमें कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन ऑफ स्पेसिफाइड एज विल सर्वाइव अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स। फिर वो कह रहे हैं जैसे हम एक अंदाजा नहीं लगाते कि आजकल के जमाने में तो ना 60 ईयर्स के लोग ही सर्वाइव करते हैं, 60 ईयर्स से ऊपर कब किसकी डेथ हो जाए नहीं पता चलती। तो हम ये अंदाजा कैसे लगाते हैं, किस तरीके से हम ये अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि हम ये चेक करते हैं कि भाई आजकल जो डेथ रेट है वो 60 प्लस के लोगों का बहुत ज़्यादा है। अब चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हों या खाने की प्रॉब्लम हो, जैसे हमें आजकल अच्छा खाना नहीं मिलता है, फास्ट फूड लोग इतना खाते हैं, सब चीज़ों की वजह से कुछ ना कुछ मतलब रीजन्स हो जाते हैं कि आजकल के जो पर्सन हैं उनकी जो डेथ रेट है वो 60 प्लस में हम मानते हैं कि थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये क्या है, एक हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि एक तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी बना ली कि किस एज ग्रुप में या कौन से ईयर्स के अकॉर्डिंगली वो हमारी डेथ रेट हाई हो जाती है। फोर्थ में कह रहे हैं वो हाउ मेनी पर्सन आउट ऑफ अ सिलेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन लिविंग एट द सेम इनिशियल एज सर्वाइव ऑन द एवरेज टू ईच अटेंड एज। वो कह रहे हैं कि कितने पर्सन ऐसे हैं आउट ऑफ द सिलेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन, जैसे मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमारे इंडिया में थाउजेंड्स पर्सन हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मेल और फीमेल बोथ, किसी भी एक पर्टिकुलर एज में, जैसे मान लीजिए 1000 में से हम ये मान रहे हैं कि जो वो 1000 है उसमें से जो एडल्ट्स हैं उनके रेशोज ज़्यादा हैं, तो कितने लोग उसमें से सर्वाइव करते हैं, कितने लोग उसमें से सर्वाइव नहीं करते हैं, हम एक तरीके से उसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो उस एवरेज से भी हमें हमारा डाटा पता चल जाता है। तो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें हम लाइफ टेबल में बेटा बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, द लाइफ टेबल थस गिव्स अ समरी ऑफ द मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस ऑफ एनी पॉपुलेशन ग्रुप ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड एंड इज वेरी इफेक्टिव एंड कॉम्प्रीहेंसिव मेथड फॉर प्रोवाइडिंग कौन साइज मेजर ऑफ द लॉन्जिविटी ऑफ दैट पॉपुलेशन। देखिए अभी मैंने ये बताया ना कि लाइफ टेबल हमें क्या देती है, एक समरी देती है हमारी डेथ रेट को, जिसमें हमें हमारे पॉपुलेशन ग्रुप के बारे में पता चल जाता है किसी भी पीरियड के, और ये मेथड काफ़ी इफेक्टिव है और इससे हम मेजर कर पाते हैं हमारी लॉन्जिविटी ऑफ पॉपुलेशन को, ठीक है। नाउ द डाटा फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लाइफ टेबल आर द सेंसस डाटा। अब हमें लाइफ टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए डाटा भी चाहिए, और वो डाटा हमें कहाँ से मिलता है, सेंसस डाटा से, या फिर जो डेथ रजिस्ट्रेशन डाटा होता है हम वहाँ से वो सब डाटाज ले लेते हैं और अपनी लाइफ टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। नाउ लाइफ टेबल आर जनरली कंस्ट्रक्टेड फॉर वेरियस सेक्शन ऑफ द पीपल विच एज एक्सपीरियंस शोज हैव शार्पली डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ मोर्टेलिटी। थस देयर आर लाइफ टेबल कंस्ट्रक्टेड इन द डिफरेंट प्लेसेज ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स एंड सेक्स। लाइफ टेबल आर वेल कंस्ट्रक्टेड ऑन रीजनल बेसिस एंड अदर फैक्टर्स अकाउंटिंग डिफरेंशियल मोर्टेलिटी। कि जो हमारी लाइफ टेबल होती है ना, बेसिकली बेटा वो हमारी हर एक तरीके से हर एक चीज़ उसमें कंस्ट्रक्ट की जाती है, अब चाहे वो ऑक्यूपेशनल ग्रुप हो, सेक्स हो या रेसिस हो, कुछ भी हो, वो हर तरीके से हमारी वहाँ पर कंस्ट्रक्ट की जाती है। नाउ वी गिव बिलो अ डिटेल डिस्कशन ऑफ द वेरियस टर्म्स एंड द फैक्टर दैट एंटर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लाइफ टेबल। अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स और कुछ ऐसे टर्म्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से हम अपने लाइफ टेबल कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है नोटेशंस एंड टर्मिनोलॉजी। चलिए देखिए ये मैं आपको बेटा इसमें से समझाती हूँ। चलिए देखिए नोटेशंस एंड टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले आता है एलेक्स, ठीक है। एलेक्स क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग एट एनी स्पेसिफाइड एज इन एनी ईयर आउट ऑफ एन अज्यूम्ड नंबर ऑफ बर्थ। एलेक्स हमें बताता है उन पर्सन्स के बारे में जो लिविंग है, ठीक है ना, किसी भी एज ग्रुप में आउट ऑफ एनी नंबर ऑफ बर्थ्स के, जितने भी हमें मान लीजिए एक टोटल हमें एक मतलब टोटल बता दिया कि इतने बंदे या इतने नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे लिविंग में हैं इस मंथ में या इस एज में, उसके अकॉर्डिंगली हम नंबर ऑफ पर्सन्स को चेक करते हैं और उसको डिनोट करते हैं हम एलेक्स से, ठीक है। एल नोट हमें क्या बताता है, कोहोर्ट ऑफ द लाइफ टेबल। कोहोर्ट मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना। तो एल नोट हमें हमारे कोहोर्ट को डिफाइन करता है। डीएक्स का मतलब है नंबर ऑफ पर्सन अमंग द एलेक्स पर्सन हु डाई बिफोर रीचिंग द एज ऑफ एक्स प्लस वन। यानी कि डीएक्स हमें क्या बताता है, उन पर्सन के नंबर ऑफ
नंबर ऑफ पर्संस जो अपने नेक्स्ट बर्थडे तक या अपनी नेक्स्ट एज तक भी जिंदा नहीं रह पाते हैं, लिविंग में नहीं रह पाते हैं, उनको हम dx से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर dx का आपका फॉर्मूला होता है lx माइनस lx प्लस 1, यानी कि जो भी lx की वैल्यू होगी उसको हम माइनस करेंगे lx प्लस 1 से, तो हमें क्या मिल जाएगा dx। lx माइनस lx प्लस 1 को मैंने किससे डिनोट किया है, यहाँ पे डेल lx, और यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले उसमें चैप्टर में पढ़ा होगा डिफरेंस ऑपरेटर। डिफरेंस ऑपरेटर का आपका फॉर्मूला होता है lx प्लस 1 माइनस l ऑफ x, तो यहाँ पे हमारा इंटरचेंज है वैल्यूज का, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका npx। npx का मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एज्ड x सर्वाइव अप टू एज x प्लस n। हम एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उन पर्संस की, दैट इज जो x एज में है और जो सर्वाइव करते हैं हमारे x प्लस n एज तक। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है ना, मेरी एज x है, तो मेरी एक प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी कब तक के लिए कि मैं x प्लस n एज तक सर्वाइव कर पाऊंगी या नहीं। ठीक है ना, सो इफ l प्लस एक्स एन इज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग एट द एज x प्लस n इन एनी ईयर, वो कह रहे हैं कि अगर मैं मान लेती हूँ कि l x प्लस n वो नंबर ऑफ पर्सन है जो लिविंग में है x प्लस n ईयर तक, तो हमारा इसका npx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l x प्लस n डिवाइडेड बाय l ऑफ x। ठीक है, फिर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो l x प्लस n की वैल्यू क्या आ जाएगी, l x n p x। ठीक है, फिर अगर मैं इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, देखो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास px इक्वल टू lx प्लस 1 अपॉन lx आ जाएगा, यानी कि हमें यहाँ से क्या मिल गया, विच गिव्स अ प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन ऑफ एज x विल सर्वाइव टिल हिज नेक्स्ट बर्थडे। कि इससे हमें क्या पता चल जाएगा, एक हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि जो भी पर्सन x एज में है वो सर्वाइव करेगा अपने नेक्स्ट बर्थडे तक या नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है qx। आपने देखो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना ट्वेल्थ क्लास में, जिसमें हम px से क्या निकालते हैं, p आपका डिनोट करता है एक प्रोबेबिलिटी को, किसी भी चीज़ की जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और q हमारा डिनोट करता है उसकी फेलियर को, जिसमें हमारा फॉर्मूला हो जाता था 1 माइनस p। सेम यहाँ पर qx के लिए भी वही फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस ऑफ px। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, के qx का मतलब क्या होगा, वो प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी सर्वाइवल के। सर्वाइवल यानी कि जो लिविंग में रह रहे होंगे, जो डाई नहीं होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा qx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dx अपॉन lx। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके बाद एक नोट में हमें उन्होंने बताया कि बाय डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन में lx प्लस 1 इक्वल्स टू एल एक्स माइनस डी एक्स मैं ले रही हूँ। ये मेरे पास कंडीशन कहाँ से आई है बेटा, देखो अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया ना, डी एक्स इक्वल्स टू एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस 1, यहाँ से मैंने क्या किया है, एल एक्स प्लस 1 की वैल्यू निकाल ली है। सिंपल है ना, कि जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे, और लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को मैं राइट हैंड साइड लेकर आ गई हूँ। ठीक है, फिर यहाँ आप dx की प्लेस पर वैल्यू पुट करोगे, कहाँ से, यहाँ से, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो dx की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, dx इक्वल्स टू qx lx। तो जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा lx माइनस qx lx। फिर मैं यहाँ से lx कॉमन ले सकती हूँ, तो lx कॉमन लेके मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 माइनस qx, और 1 माइनस qx आपको पता है ना, सॉरी ये यहाँ से निकाल लेना। ठीक है, 1 माइनस क्यू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, पी एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसकी वैल्यू पी एक्स पुट की है, तो एल एक्स प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, एल एक्स पी एक्स के। ठीक है, ये आपका एक नोट था। चलिए अब इसके बाद देखिए, एल एक्स इज द नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड इन द एग्रीगेट बाय द कोहोर्ट ऑफ एल नॉट पर्संस बिटवीन द एज ऑफ एक्स एंड द एक्स प्लस 1। बेटा ये जो कैपिटल एल एक्स है, ये मैं आपको क्या होता है, ये मैं आपको एक टेबल से समझाती हूँ। देखिए डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो, बाकी मैं आपको ये एक प्रैक्टिकल उसमें इसकी डेफिनेशन समझाती हूँ। चलिए देखिए, एक सेकेंड बेटा, यहाँ से देखिए, चलिए जरा हम जो नोटेशंस अभी तक मैंने आपको बताई हैं, जरा उसका एक प्रैक्टिकल मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जिससे आपको थोड़ा
लाइफ टेबल के डेफिनेशन क्लियर हो और कुछ नोटेशंस जो अभी तक बताई हैं वो क्लियर हो। चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। हर डेफिनेशन में आप क्या पढ़ रहे हो, एक्स एज, ठीक है ना। तो वो जो एक्स है वो आपकी क्या है, एज इन ईयर। तो एक्स का मतलब है 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल ली है जिसमें एक्स का मतलब है एज इन ईयर्स। तो यहाँ पर 0 है 0 ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। यानी कि 0 ईयर के कितने बंदे हैं, 1 ईयर के कितने पर्सन हैं, 2 ईयर के कितने पर्सन हैं और 3 ईयर्स के कितने पर्सन हैं, ठीक है। चलो उसके बाद मैंने आपको एक नोटेशन बताई थी LX। LX का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग एट एज एक्स ईयर। कि कितने ऐसे पर्सन हैं जो लिविंग में हैं हमारे एक्स ईयर्स में। तो चलो देखो, यानी कि 0 ईयर, यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबीज है, 0 ईयर्स का मतलब क्या होगा, जो न्यू बॉर्न बेबीज है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबीज कितने हैं, 10। 1 ईयर में कितने पर्सन है लिविंग, 9। 2 ईयर्स में कितने पर्सन है लिविंग, 7। 3 ईयर्स में कितने पर्सन है लिविंग, 5। यानी कि ये एक छोटा मोटा सा डाटा मैंने आपको खाली समझाने के लिए बनाया है कि 0 ईयर्स में सिर्फ 10 ऐसे बंदे हैं जो जिंदा हैं। 1 ईयर्स में सिर्फ 9 पर्सन हैं, 2 ईयर्स में सिर्फ 7 पर्सन हैं और 3 ईयर्स में सिर्फ 5 पर्सन हैं जो लिविंग हैं, ठीक है ना। तो ये आप मान लीजिए कोई भी एक छोटा मोटा सा डाटा है आपको समझाने के लिए, क्योंकि अगर मैं 1000 में या इन सब मिलूंगी तो थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये छोटे छोटे नंबर से लिए हैं जस्ट आपको समझाने के लिए। फिर मैंने आपको डिनोशन बताई थी DX, ठीक है। DX का भी फॉर्मूला बताया था LX माइनस LX प्लस 1। DX बेसिकली क्या था, नंबर ऑफ पर्सन एट एज एक्स हु डाई बिफोर रीचिंग द एज एक्स प्लस 1। चलो देखो, DX का मतलब है कि वो पर्सन जो अपने नेक्स्ट बर्थडे तक, जो अपने नेक्स्ट बर्थडे तक लिविंग में नहीं रहते हैं। जैसे देखो, जो 0 ईयर्स में थे कितने बंदे थे, 10 पर्सन, यानी कि 1 ईयर में सिर्फ 9 रह गए। यानी कि जब वो 0 ईयर में थे तो 10 पर्सन थे, 1 ईयर तक आते आते सिर्फ 9 रह गए, यानी कि 1 पर्सन की डेथ हो गई। ऐसे ही जो 9 पर्सन थे 1 ईयर तक, जब वो 2 ईयर्स के हुए, यानी कि जब वो लोग 2 साल के हुए, तब कितने रह गए, 7, यानी कि फिर 2 पर्सन की डेथ हो गई। जो 2 ईयर्स के थे 7 पर्सन, जब वो 3 ईयर्स के हुए, यानी कि जब वो अपने नेक्स्ट बर्थडे तक गए, तो सिर्फ 5 रह गए, यानी कि फिर दोबारा से कितने पर्सन की डेथ हो गई, 2। तो यहाँ DX बेसिकली हमारा क्या मतलब कैलकुलेट कर रहा है, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग एट देयर बिफोर देयर नेक्स्ट बर्थडे, के अपना नेक्स्ट बर्थडे आने से पहले पहले कितने लोग जिंदा थे और कितने लोगों की डेथ हो गई। तो इसलिए हम कैसे करते हैं, 10 में से 9 माइनस करूंगी तो 1, यानी कि जो लोग 0 ईयर्स में थे वो अपने नेक्स्ट बर्थडे तक उनमें से 1 पर्सन की डेथ हो गई। ऐसे ही 9 माइनस 7, 2, एंड 7 माइनस 5, 2। ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसका नेक्स्ट डाटा मुझे नहीं पता। तो बेसिकली DX आपका यहाँ पर इस चीज को डिफाइन करता है, ठीक है। इसके बाद आता है QX। PX मैं पहले कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, पहले QX कर रही हूँ, रीजन अभी बताऊंगी। पहले QX देखो, QX मैंने क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एट एज एक्स विल डाई। कि हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि जो पर्सन हैं एक्स एज में, उनमें से कितने पर्सन हमारे डाई कर गए हैं। चलो तो इसका फॉर्मूला होता है आपका DX अपॉन में LX, ठीक है, QX का। चलो देखो, कितने पर्सन डाई करे हैं, 1, यानी कि 0 ईयर में 1 पर्सन डाई कर गया, और टोटल ऑफ पर्सन कितने थे, 10। तो 1/10 हमारे पास क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी। ये तो आप कैलकुलेट कर लोगे ना, तो हमारा मेन मोटिव कैलकुलेट करना नहीं है, अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन समझाना है। तो QX का मतलब है प्रोबेबिलिटी कि कितने पर्सन हमारी डेथ हुई है टोटल नंबर ऑफ पर्सन में थे। तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ऐसे 2/9, 2/7। चलिए उसके बाद आता है PX। PX का मतलब है 1 माइनस QX। 1 माइनस QX का मतलब है सर्वाइवल रेट। सर्वाइवल रेट का मतलब क्या हो गया बेटा यहाँ पे, कि कितने पर्सन लिविंग में हैं, क्योंकि QX का मतलब क्या है, जो डेथ हो गई है, और PX का मतलब है जिनको डेथ होने के बाद जो बाकी हमारे लिविंग में रह गए हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस QX,
तो 1 माइनस 1/10। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम करके लिखा है बेटा, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे और ये वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको पीएक्स मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है एलएक्स, जो मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी लेकिन मतलब नहीं समझाया था। अब यहां देखो आपको बिल्कुल क्लियर प्रैक्टिकल में समझ आएगा एलएक्स का मतलब क्या होता है। एवरेज नंबर ऑफ पर्संस लिविंग बिटवीन द एजेस एक्स टू एक्स प्लस वन। हम एक एवरेज निकाल रहे हैं कि जो लिविंग पर्सन है एक्स और एक्स प्लस वन एज में उनका एवरेज क्या है, ठीक है। चलो देखो, यानी कि अगर जीरो ईयर में 10% है और वन ईयर में 9% है, तो इन दोनों ईयर्स में जो एवरेज होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एलएक्स में। समझ आ रही है मेरी बात। तो कोई भी टू ईयर्स आप लोगे, जैसे मैंने जीरो ले लिया और एक वन ले लिया, यानी कि जीरो ईयर्स के जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है जो लिविंग है और वन ईयर्स में जितने भी पर्सन है जो नंबर ऑफ पर्सन लिविंग है, ठीक है ना, उनका सम। तो फॉर्मूला क्या होगा, एलएक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, यानी कि 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाय टू, कितना आ जाएगा 9.5। ऐसे ही वन ईयर्स में नंबर ऑफ लिविंग, टू ईयर्स में नंबर ऑफ लिविंग पर्सन, तो 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाय टू, क्या आ जाएगा 8। ऐसे ही टू ईयर्स और थ्री ईयर्स के लिए नंबर ऑफ पर्सन लिविंग, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग, सो 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 6। तो एलएक्स आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, एक एवरेज बता रहा है टू ईयर्स के बीच में। कोई भी आप टू ईयर्स कंसिडर कर सकते हो, उन दोनों का एवरेज आपको बता रहा है जिसमें नंबर ऑफ पर्सन क्या है, लिविंग में है। हम डेथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ लिविंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट आता है आपका टीएक्स, ठीक है। अभी मैंने नोटेशन में नहीं समझाया था लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, फिर नोटेशन में भी आपको इसका फॉर्मूला समझाऊंगी। तो टीएक्स हमारा बेसिकली क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर लिविंग अबव द एज एक्स। हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स देखने हैं जो हमारे अबव द एज एक्स से हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एल एक्स। देखो हमने यहाँ पे 0, 1, 2, 3 यही एजेस लिए थे ना, 0, 1, 2, 3। तो हम यहाँ पे tx कैसे निकालेंगे, tx आप बेसिकली lx से निकालोगे। समझ आ रही है मेरी बात। देखो 3 इयर्स का तो हम कुछ कैलकुलेट कर ही नहीं रहे हैं, तो हम 2 इयर्स पे आते हैं। 2 इयर्स पे हमारी lx की वैल्यू कितनी थी, 6। तो 2 पे हमारी 6 ही रहेगी, ये हमारा सेम है। इसमें हम नीचे से चलते हैं बेटा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, ठीक है ना। और हमें हु आर लिविंग अबव द एज एक्स, अबव चाहिए, तो हम अबव के लिए यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे। 2 में हमारी एलएक्स की वैल्यू 6 थी, अब आप क्या करोगे, 6 के साथ ऐड करोगे किसको, 8 को, ठीक है। तो 6 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 14। अब आप 14 को ऐड करोगे किसके साथ, 9.5 के साथ, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, 14 प्लस 9.5 इक्वल्स टू 23.5। तो वो हमारी किसकी वैल्यू आ गई, tx, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 23.5 हु आर लिविंग अबव द एज, ठीक है। ये क्लियर है टेबल बेटा सबको। चलिए तो अब दोबारा नोटेशन पे आते हैं। मैंने आपको नोटेशन ये lx की बताई थी डेफिनेशन, ठीक है ना। चलिए अब इसका फॉर्मूला देखिए। Thus, if deaths are assumed to be uniformly distributed over the whole year or equivalently, if we assume the linearity of Lx plus T for T belongs to 0, 1, कि अगर मैं assume करती हूँ linearity, जिसको हम denote कर रहे हैं Lx plus T से, जिसमें T आपका belong करे आपके interval पे, यानी कि 0 से 1 के बीच में, तो हमारा Lx का basically formula क्या हो जाएगा, integration of 0 to 1 Lx plus T dt। लिमिट्स हमारी 0 to 1 है, ठीक है, जिसमें टी हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है। तो ये एल एक्स का यहाँ पे आपका एक अलग फॉर्मूला है। एंड एल एक्स प्लस टी हमारा बेसिकली किस चीज को डिफाइन करता है, एल एक्स माइनस टी ऑफ डी एक्स, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर एल एक्स आपको हमने ये डिफाइन किया है, इसको मैंने इक्वेशन स्टार मान लिया है। अब आप एल एक्स प्लस टी की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा। इंटीग्रेशन आपको सबको करनी आती है ना बेटा, मैं इंटीग्रेशन नहीं समझाऊंगी, आपको खुद करना है। इंटीग्रेशन पहले एलएक्स की करेंगे, फिर इंटीग्रेशन टी डीएक्स की करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये सबको आती है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करके आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करके देखोगे। फिर मैं यहाँ पे डीएक्स का फॉर्मूला पुट कर रही हूँ, डीएक्स का फॉर्मूला बताया था ना,
ये रहा देखो lx माइनस lx प्लस 1, तो यहाँ dx के प्लेस पर मैंने यहाँ पे उसका फॉर्मूला पुट किया है। उसके बाद आप इसमें LCM ले लेना, ठीक है गर्ल्स। LCM लेने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये किसकी आ गई, lx की, ठीक है। नाउ अब ये इक्वेशन बना के छोड़ दो, ठीक है, तो ये lx की एक टर्म आ गई है। नाउ अब वो कह रहा है जो lx है वो हमारा इसके इक्वल भी हो सकता है, कैसे, बाय यूजिंग इक्वेशन स्टार। देखो इक्वेशन स्टार कहाँ थी आपकी, मुझे भी नहीं याद, ये रही बेटा, देखो इक्वेशन स्टार एल एक्स प्लस टी किसके इक्वल है, एल एक्स माइनस टी ऑफ डी एक्स। अब आप यहां पे ध्यान से देखो ये वाले टर्म, ये रहा एल एक्स, ये रहा एल एक्स, आप इसकी राइट हैंड साइड और इसको कंपेयर करो, इस इक्वेशन को, कंपेयरिंग इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन ए, हमने इनकी राइट हैंड साइड कंपेयर करनी है। देखो ये रहा एल एक्स, ये रहा एल एक्स, माइनस माइनस टी, और यहाँ पे क्या है 1/2, यहाँ पे क्या है dx, तो चलिए एक काम कीजिए इसको कंपेयर कीजिए, ये बिल्कुल सेम है ना, इसको रहने दीजिए, इसको कंपेयर कीजिए, lx माइनस टी के प्लेस पर 1/2 है और dx, तो dx यानी कि t की वैल्यू कितनी है 1/2, तो जो मुझे t की वैल्यू मिल गई है वो मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ, ठीक है। सो इट मीन्स मुझे lx क्या मिल गया है, lx प्लस 1/2 by using these equation star. Now, इसके बाद मैंने आपको TX समझाया था ना, TX क्या था, total numbers of year lived by the cohort L0 after attaining the age X, that is the total future lifetime of the LX person who reach age X, यानी कि जो X age को reach कर गए हैं उनको हम किसे denote करे हैं, TX से, जिसमें TX का formula क्या हो जाएगा, LX plus LX plus 1, LX plus 2 up to so on। जो अभी पीछे टेबल मैंने आपको समझाई थी वहां पे मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था समीशन ऑफ एलेक्स, बात तो एक ही है ना, क्योंकि समीशन का मतलब क्या है, हर एक की टर्म की सम करना, तो यहाँ पे बस वही फॉर्मूला है, टी एक्स क्या है, एलेक्स प्लस एलेक्स प्लस वन प्लस एलेक्स प्लस टू अप टू सो ऑन। इफ डब्ल्यू इज द हाइएस्ट एज एट विच एनी सर्वाइवर आर रिकॉर्डेड इन द मोर्टेलिटी टेबल, दैट इज इफ एल डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो, देन, वो कह रहे कि W मैंने मान लिया एक हमारी हाईएस्ट एज है जो भी सर्वाइवर हैं और उनका रिकॉर्ड हो गया एक हमारे मोर्टेलिटी टेबल में, सो दैट इज अगर हमारे पास एल डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो होगा देन टी एक्स हमारा किसके इक्वल होगा, समीशन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम जीरो टू डब्ल्यू माइनस एक्स माइनस वन ऑफ एल एक्स प्लस आई, तो हमने यहाँ पे इसको इससे डिनोट किया है टी एक्स को, ठीक है। ऑल्सो tx equals to lx plus tx plus 1, हम tx का फॉर्मूला ये भी यहाँ पर बेटा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सारी एक नोटेशंस थी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इन नोटेशंस को हम थ्योरम्स में यूज करेंगे, ठीक है गर्ल्स। चलिए एक काम करते हैं, ये थ्योरम्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी, फिलहाल अभी आप ये नोटेशंस और ये डेफिनेशंस को पढ़िए, ठीक है गर्ल्स, थैंक यू।